रही है और बहुत धीरे गति से ठंड आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कल ही चार राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं, बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये उनके लिए उत्साहवर्धक है जो देश के सामान्य मानवी के कल्याण के लिए कमिटेड है, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। विशेषकर सभी समाजों की, सभी समूहों की, शहर और गांव की महिलाएं, सभी समाज के, सभी समूह के, गांव और शहर के युवा, हर समुदाय के, समाज के किसान और मेरे देश के गरीब, ये चार ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट, उनको उनके भविष्य को सुनिश्चित करने वाली ठोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलीवरी, इन उसूलों को लेकर के जो चलते हैं, उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है। और जब गुड गवर्नेंस होता है, पूर्णतया जनहित के लिए समर्पण होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी ये शब्द इरेलेवेंट हो जाता है। और हम लगातार ये देख रहे हैं, कोई इसको प्रो इनकम्बेंसी कहे, कोई इसे गुड गवर्नेंस कहे, कोई इसे ट्रांसपेरेंसी कहे, कोई उसे राष्ट्रहित की, जनहित की ठोस योजनाएं कहें, लेकिन ये लगातार अनुभव आ रहा है। और इतने उत्तम जनादेश के बाद आज हम संसद के इस नए मंदिर में मिल रहे हैं। इस संसद भवन के निर्माण का उद्घाटन हुआ, तब तो एक छोटा सा सत्र था, ऐतिहासिक निर्णय हुआ था, लेकिन इस बार लंबे समय तक इस सदन में कार्य करने का अवसर मिलेगा। नया सदन है, छोटी मोटी अभी भी शायद व्यवस्थाओं में कुछ कमियां महसूस हो सकती हैं। जब लगातार काम चलेगा, संसदों और विजिटर्स को भी, मीडिया के लोगों को भी ध्यान में आएगा कि इसको जरा अगर ठीक कर लिया जाए तो अच्छा होगा। और मुझे विश्वास है कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी और आदरणीय स्पीकर महोदय के नेतृत्व में उन चीजों की तरफ पूरी तरह निगरानी है। और आपसे भी मैं कहूंगा, कोई चीज ऐसी छोटी मोटी आपके ध्यान में आए तो जरूर आप ध्यान आकर्षित करना, क्योंकि ये चीजें जब बनती हैं तो आवश्यकता के अनुसार बदलाव की भी जरूरत होती है। देश ने नकारात्मकता को नकारा है। मैं लगातार सत्र के प्रारंभ में विपक्ष के साथियों के साथ हमारा विचार विमर्श होता है, हमारी मेन टीम उनसे चर्चा करती है, मिलकर के भी सबके सहयोग के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं। इस बार भी इस प्रकार की सारी प्रक्रियाएं कर ली गई हैं और आपके माध्यम से भी मैं सार्वजनिक रूप से हमेशा हमारे सभी सांसदों से आग्रह करता हूं,
लोकतंत्र का ये मंदिर जन आकांक्षाओं के लिए, विकसित भारत की नींव को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह कर रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आए, सदन में जो भी बिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो, उत्तम से उत्तम सुझाव आए, और उन सुझावों के द्वारा, क्योंकि जब एक सांसद सुझाव देता है तो जमीनी अनुभव का उसमें बहुत ही उत्तम तत्व होता है, लेकिन अगर चर्चा ही नहीं होती है तो देश उससे मिस करता है उन चीजों को। और इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूं, और अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए सकारात्मक विचार लेकर के आइए, अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम करके फैसला लेकर के आइए, हर किसी का भविष्य उज्ज्वल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। और अभी भी मैं कहता हूं, मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के लिए विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए, अच्छी उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए, तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। और इसलिए हर बार मैं करबद्ध प्रार्थना करता रहा हूं कि सदन में सहयोग दीजिए। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश दें, आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष भी इतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मूल्यवान है और उतना ही सामर्थ्यवान भी होना चाहिए। और लोकतंत्र की भलाई के लिए मैं फिर से एक बार अपनी ये भावना को प्रकट करता हूं, 2047 अब देश विकसित होने के लक्ष्य में लंबा इंतजार करना नहीं चाहता। समाज के हर वर्ग में यह भाव पैदा हुआ है कि बस आगे बढ़ना है। इस भावना को हमारे सभी माननीय सांसद समित आदर करते हुए सदन को उस मजबूती से आगे बढ़ाएं, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सबको भी साथियों मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जहां उन्होंने संसद सत्र की शुरुआत से पहले संबोधन दिया और कहा कि जनहित के काम में आगे बढ़ें।
और ये तस्वीरें दिल्ली में शीतकालीन सत्र से पहले, जहां पर तमाम बड़े नेता बीजेपी के शामिल हैं और एक उत्साहित अनुभूति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जहां पर तीन राज्यों में मिली जीत को लेकर के। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि संसद सत्र को बिना किसी बाधा के चलाया जाए और एक बेहतर भविष्य के लिए सभी को एक साथ आकर के योगदान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हार से आहत और निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन उसका गुस्सा सदन पे ना निकालें, देश के भविष्य में अपना योगदान दें और गुड गवर्नेंस या एंटी इनकम्बेंसी इनको पर्याय बताया। और इस बात का आत्मविश्वास जताया कि सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी या कोई सरकार विरोधी लहर नहीं है। संसद में जनहित के लिए काम करने के लिए उन्होंने तमाम दलों से अपील की और कहा कि पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल और उनके अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि काम के लिए वे सभी आगे आए, ना कि विरोध की राजनीति करें। और अधिक जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राजीव, शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही सख्त शब्दों में संदेश दे दिया है कि किसी प्रकार की बाधा ना आए कार्यवाही में। क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं उनके इस संबोधन के? बिल्कुल, देखिए, कहा जा सकता है कि यह जो शीतकालीन सत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 17वीं लोकसभा का यह जो है पूर्णकालिक आखिरी सत्र है, इसके बाद चुनाव हो जाएगा मई में, जो जानकारी मिली है। तो इस सत्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिए, सरकार की बात कीजिए, केंद्र सरकार की, तो जो महत्वपूर्ण बिल है उनको पास कराने के लिए सरकार लगातार लंबे समय से प्रयासरत है और उम्मीद है कि यह जो लग रहे हैं करीब 21 जो लिस्ट किए गए हैं जो विधेयक, उनको पास कराने के लिए सरकार ने रणनीति बनाई है। इसके इसको लेकर के सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक भी 2 तारीख को बुलाई गई थी, जिसमें सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सरकार की तरफ से कहा गया है विपक्ष को। विपक्ष की तरफ से अपने तमाम मुद्दे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन सरकार ये चाहती है कि यह जो सत्र है इसमें देखिए ICC, CRPC, एविडेंस एक्ट बदलने वाली जो 3 महत्वपूर्ण बिल है इसको पास करा लिया जाए, क्योंकि मानसून सत्र के दौरान इन्हें लोकसभा में पेश किया गया था। तो अब सरकार की कोशिश यही है, और भी तमाम महत्वपूर्ण बिल है तो इसको लेकर के सरकार की तरफ से तत्परता से काम किया जा रहा है। और यही वजह है कि देखिए प्रधानमंत्री ने भी कहा है और लगातार केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ये भी विपक्ष के नेताओं से अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सुचारू रूप से इसको चलाया जाए। लेकिन आज का दिन हंगामे के आसार, आज के दिन हंगामे के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए जो महुआ मोहित्रा है TMC की सांसद है, इनके ऊपर एक आरोप लगा है कि पैसा लेकर इन्होंने संसद में लोकसभा में सवाल पूछा है। तो यह बड़ा आरोप लगा है, एथिक्स कमेटी की तरफ से जो रिपोर्ट तैयार किया गया है इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। और जो जानकारी मिल रही है कि एथिक्स कमेटी इनकी बर्खास्तगी की मांग करेगी लोकसभा स्पीकर से, क्योंकि उनके ऊपर बड़ा आरोप लगा है और एथिक्स कमेटी की जांच में तमाम बातें सामने आई हैं। जी जी राजीव, आज कौन कौन से जो बिल है वो सदन में पेश किए जाएंगे, आज किन किन बिलों पर चर्चा होगी, क्या इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना है, क्या कुछ जानकारी? अभी देखिए आज के दिन की बात की जाए तो आज का दिन पहला दिन है और आज जो है महुआ मोहित्रा वाला मामला सामने आ रहा है कि महुआ मोहित्रा को लेकर के जो पिछले दिनों जो बातें सामने आई थी कि पैसा लेकर के कारपोरेट घराने से इन्होंने तमाम सवाल पूछे थे जो कि संसदीय परंपरा के और नियम के खिलाफ है, उसको लेकर एथिक्स कमेटी ने जांच किया, जिसके एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर है, उन्होंने कहा था कि इनके ऊपर जो गंभीर आरोप लगे हैं कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई सामने आ रही है। तो वो एथिक्स कमेटी जो रिपोर्ट तैयार की है आज वह लोकसभा अध्यक्ष के सामने रखा जाएगा। एथिक्स कमेटी के जो अध्यक्ष हैं और उनके लोगों का मान की तरफ की बातों को अगर माना जाए तो लोग चाहते हैं कि जो आरोप है इसको लेकर के इसमें जो कड़ा दंड का प्रावधान है उसको जो है देना चाहिए और इनकी संसदीय सदस्यता को बर्खास्त कर देना चाहिए। तो यह बातें सामने आ रही है, तो आज हंगामे के आसार दिख रहे हैं और आज महुआ मोहित्रा वाला मामला सामने आ रहा है। जी जी बिल्कुल राजीव, मानसून सत्र में हमने देखा था INDIA गठबंधन बहुत सक्रिय था, एक साथ आ गए थे, बहुत मीटिंग्स हो रही थी सदन की कार्यवाही से बिल्कुल पहले, लेकिन आज शांति बनी हुई है। क्या कल जो परिणाम आया उसके बाद में शांति बनी हुई है या अभी कोई स्ट्रैटेजी डिसाइड नहीं की है, क्या कुछ कारण हो सकता है आपके अनुसार?
देखिए ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कल के जो परिणाम सामने आए हैं यह जो है एक बड़ा झटका है कांग्रेस के साथ साथ विपक्षी दलों को, क्योंकि विपक्षी दल के जो नेता हैं इस विधानसभा चुनाव को जो है सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे थे, और यह जो तीन राज्यों में हिंदी बेल्ट के तीन राज्यों में जिनको पराजय इनका हुआ है यह जो है बड़ा झटका है, और यही वजह है कि तमाम मुद्दों पर घेरने की तो रणनीति थीम थी, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही है कि आज थोड़ी देर बाद जो है अभी एक बैठक हो रही है यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस की और तमाम विपक्षी नेताओं की, उसमें क्या कुछ रणनीति लोग बनाते हैं देखना होगा। फिलहाल अपने तरफ से दीपक आक्रामक है तमाम मुद्दों को लेकर के, क्योंकि देखिए जो विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष जो है यह जातिगत जनगणना के मामले को जिस तरह से उठाया था, तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी शांत नहीं रहेगा और कुछ ना कुछ तरीके से घेरने की कोशिश की जाएगी सरकार को। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।